घोटुल में अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या पढ़ना है, तो घोटुल में हम आज बात करेंगे घोटुल में कि ये जो मुरिया जनजाति है जिसमें घोटुल प्रथा पाई जाती है, ये कहाँ निवास करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इनके निवास स्थान के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि घोटुल में क्या पढ़ेंगे, तो घोटुल में आज हम बात करेंगे कि कौन आ सकता है घोटुल में कौन लोग आ सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो आज हम घोटुल में ये भी बात करेंगे कि कैसे करते हैं जीवन साथी का चुनाव, घोटुल में जीवन साथी का चुनाव कैसे होता है, इस टॉपिक पर भी आगे हम इस वीडियो पर बात करेंगे। नेफ्ट की बात करें तो हम लोग ये भी बात करेंगे क्या होता है घोटुल में क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे की हम लोग बात करें किन बातों को अहमियत दी जाती है घोटुल में, यानी घोटुल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं घोटुल में किन बातों को अहमियत दी जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें कि घोटुल के नियम क्या होते हैं, घोटुल के नियम क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी संगठित संस्था है, कुछ तो नियम होंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि घोटुल की परंपराएं जो है, या घोटुल में जो दूसरे कास्ट हैं, दूसरी जातियां हैं, उनके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे, है ना। इसके बाद चलते हैं, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है घोटुल। आज हम जानेंगे कि रियल में घोटुल क्या होता है, ये घोटुल परंपरा या जो प्रथा है किस जनजाति में पाई जाती है। घोटुल के बारे में आपने कईयों बार सुना होगा कि रियल में घोटुल बड़ा विवादित रहा है, कि मुरिया जनजाति में ऐसा क्या होता है घोटुल में कि इस पर आए दिन विवाद होते रहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ये सही है या गलत है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे की हम बात करें कि ये जो शब्द है घोटुल, ये आया कहाँ से है। तो जैसे हम बात करेंगे कि रियल में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि घोटुल कहाँ से आया है, तो ये जो घोटुल है, घोटुल रियल में घोटुल को पहले कहा जाता था गोटुल, गोटुल धीरे धीरे समय बीतता गया और यही गोटुल बाद में घोटुल बन गया। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि घोटुल का पुराना नाम गोटुल है, या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि गोटुल का नया नाम घोटुल है। तो ये जो घोटुल है, गोटुल का ही अपभ्रंश रूप है। समय जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे ही लोग घोटुल को घोटुल बोलने लगे। तो हम ये देखेंगे कि रियल में ये जो घोटुल है किस शब्द से बना। ये जो घोटुल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये घोटुल, घोटुल यहाँ पर गो का अर्थ होता है, या गो का मतलब होता है गोगा। गोंडी भाषा में गो का मतलब होता है गोगा, और इसी को हम लोग गोगा को अपनी भाषा यानी हिंदी में समझते हैं, जिसका मतलब होता है विद्या, विद्या। तो यहाँ पर घोटुल में गो का मतलब है गोगा, गोगा का मतलब होता है विद्या। यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है टुल, तो ये जो टुल लिखा हुआ है, यहाँ पर टुल का मतलब है ठान, ठान। और ठान का अर्थ होता है स्थल, यानी आप इसको प्लेस बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं। तो
गोटुल से ये अर्थ निकल के आया है कि गोंडी भाषा में गो का मतलब गोगा, टुल का मतलब ठान, और यह निकल के आया कि ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है। यानी ये जो गोटुल है जिसकी आप बात कर रहे हो, तो विद्या प्राप्त करने की एक जगह है, एक स्थल है। तो गोटुल में विद्या का अध्ययन कराया जाता है, साथ ही सामाजिक जीवन के बारे में जितनी सारे चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। अब ये प्रश्न आता है कि ये जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं गोटुल या घोटुल की, तो यह घोटुल या गोटुल में और क्या होता है? जिस घोटुल की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें और क्या होता है? तो ऐसी कहानी, किस्से, किंवदंतियाँ या किंवदंती प्रचलित है कि जो गोंड जनजाति है जिसकी आप लोग हम लोग बात कर रहे हैं, एक जनजाति है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं गोंड जनजाति, इसी गोंड जनजाति में गोंड जनजाति में एक उपजाति पाई जाती है जिसका नाम है मुरिया, जिसका नाम है मुरिया, ये मुरिया। तो ये जो मुरिया जनजाति है गोंड की उपजाति है, सब ट्राइब है। तो घोटुल प्रथा इसी में मुरिया जनजाति में पाई जाती है। तो गोंड की उपजाति है मुरिया, मुरिया में घोटुल पाया जाता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। तो घोटुल हमने जान लिया कि इसी मुरिया जनजाति में है, मुरिया जनजाति गोंड की उपजाति है। मुरिया जनजाति के एक व्यक्ति रहे हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे, जिनका नाम था लिंगोपन। लिंगोपन, ये जो लिंगोपन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये टोटल 7 भाई बहन थे। तो 7 भाई बहन में से 6 लोगों की शादी हो गई थी, और सबसे छोटे भाई के रूप में जो थे उनका नाम लिंगोपन था, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो इनकी शादी नहीं हुई तो इनके भाई बहन जो थे, तो ये सोचने लगे कि जब इनकी शादी नहीं हुई है तो इनको अपने से दूर रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शादीशुदा जीवन का प्रभाव इन पर पड़े, लिंगोपन पर पड़े। तो इनको ये लोग 6 भाई बहन जो हैं तो जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, और इस प्रकार से लिंगोपन जंगलों में रहने लगते हैं। अब कहा जाता है कि अविवाहित थे, शादीशुदा नहीं थे, जंगल में रहने लगे। तो जंगल में रहते हुए लिंगोपन ने घास फूस की एक कुटिया बनाई, एक घर बनाया और अपना जीवन यापन किया। तो मुरिया जनजाति के चूंकि जंगलों में रहते हैं, वहाँ से जब जंगलों में आए तो इनका घर घास फूस का जो मिला, जो इनका घर था, ये घास फूस का बना हुआ मिला। तो मुरिया जनजाति को इन्होंने वहीं पर शिक्षा दीक्षा दी लिंगोपन जी ने, और ये कहा जाता है कि पहला घोटुल किसी ने अगर बनाया है तो यही है लिंगोपन जी। यानी पहले घोटुल यानी फर्स्ट घोटुल का निर्माण अगर किसी ने किया है तो
तो वो लिंगोपन जी हैं या लिंगोपन ने किया था। जंगल में रहते थे तो जंगल में एक पेड़ था जिसका नाम था सेमल। सेमल का पेड़ के नीचे मुरिया जनजाति के लोगों को लिंगोपन जी ने शिक्षा नॉलेज या एग्जाम दिया था, इसीलिए मुरिया जनजाति के लोग लिंगोपन को अपना भगवान या देवता मानते हैं और मुरिया जनजाति के लोग लिंगोपन की पूजा भी करते हैं। इनको खुश करने के लिए कि इनके घर वालों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, अपना बाकी का जीवन जंगल में व्यतीत किए लिंगोपन जी, तो ये लोग यानी मुरिया जनजाति के लोग अपने भगवान अपने देवता लिंगोपन को खुश करने के लिए एक नृत्य करती है जिसका नाम है ककसार। यानी ये जो ककसार नृत्य है ये किसको खुश करने के लिए किया जाता है, तो ककसार नृत्य मुरिया जनजाति के लोग अपने देवता भगवान लिंगोपन को खुश करने के लिए करते हैं। आज के समाज में या आज के समय में जो शिक्षा हमें आंगनवाड़ी में स्कूल में कॉलेज में दी जाती है, ऐसी शिक्षा प्राचीन काल से ही घोटुल में दी जाती रही है मुरिया जनजाति के लोगों को। तो जो भूमिका आज विश्वविद्यालय हमें निभाता है शिक्षा देने के लिए, ऐसी भूमिका घोटुल की सदियों से रही है। बहुत पहले से घोटुल ऐसा करता आया है अपने संस्था में, यानी ऐसा कह सकते हैं कि घोटुल शिक्षा का केंद्र है जहां लिंगोपन की पूजा की जाती है। लोगों को आने वाले समय के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में बताया जाता है। तो बाकी और चीज़ें हैं घोटुल से संबंधित, उसको भी हम धीरे धीरे करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, जिस घोटुल की हम लोग बात कर रहे थे कि घास फूस का बना होता है घोटुल, पहले घोटुल का निर्माण कहीं न कहीं लिंगोपन जी ने किया है, तो कुछ इस तरह से बना हुआ आपका घोटुल होता है। लकड़ियां होती हैं, घास फूस से बने होते हैं, बांस की लकड़ियां भी यहां पर होती हैं। तो ऐसा घोटुल दिखता है या घोटुल होता है, ये जंगलों में ही होते हैं। तो घोटुल के बारे में हमने देखा कि लिंगोपन जी ने जिस घोटुल का निर्माण किया था या घोटुल होता कैसा है, तो कुछ इस टाइप का घोटुल होता है जो इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये आपका घोटुल है। आगे की बात करें हम लोग कि घोटुल के बारे में और क्या है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये मुरिया जनजाति है, ये जो लिखा हुआ है निवास स्थान यानी रेसिडेंशियल प्लेस, तो रहते कहाँ हैं। तो रियल में छत्तीसगढ़ के ये जो एरिया है बस्तर, जो जिसको हम बोल रहे हैं, ये बस्तर वाला एरिया छत्तीसगढ़ का, ये बस्तर, ये आपका यहाँ दिख रहा होगा, ये नारायणपुर, नारायणपुर यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये कोंडा गांव, कोंडा गांव, इसके बाद एक जिला यहां पर आपको दिख रहा होगा बीजापुर, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये
और तो मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नारायणपुर में बीजापुर में और कोंडा गांव में निवास करती है या रहती है। तो इनका ये रेसिडेंशियल प्लेस है। तो घोटुल की बात जो हम कर रहे हैं वो यही बस्तर रीजन नारायणपुर कोंडा गांव और आपका बीजापुर वाले एरिया में ही घोटुल संस्था का निर्माण हुआ और घोटुल की परंपरा वहीं पर है। मुरिया जनजाति के लोग भारत के और जिन प्लेसेस में महाराष्ट्र राजस्थान की हम बात करेंगे रहते हैं वहाँ भी यह परंपरा प्रचलित है, लेकिन शुरुआत अगर घोटुल की कहीं से हुई तो ऐसा कहा जाता है छत्तीसगढ़ के ये बस्तर जो रीजन है यहीं से हुई है। हम लोग चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं घोटुल के बारे में तो एक चीज़ ज़रूर जानेंगे कि अगर आप MPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो फर्स्ट GS का पेपर होता है इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, गोंड जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, छत्तीसगढ़ CGPS की अगर हम लोग बात कर रहे हैं CGPSC की तो वहाँ की जनजातियों में भी ये क्वेश्चन आता है, और घोटुल से क्वेश्चन अगर जहाँ बनता है तो 5 नंबर का आपके बनता है MPPSC के मेंस में। प्री के हिसाब से ऐसा आ सकता है कि घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जा सकती है इसके बारे में। आगे की बात करें इसी में हम लोग तो कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ निवास करती हैं, तो मध्य प्रदेश में ये जबलपुर का बेल्ट जो है यानी जबलपुर संभाग वाला जो बेल्ट है आपका, यहाँ पर मुरिया जनजाति और गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो मूल रूप से तो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, तो कहीं ना कहीं इस बेल्ट में। जनजातियों का जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि एक्चुअल में या रियल में गोंड जनजाति यहाँ जो नर्मदा नदी बहती है आपका अमरकंटक के अनूपपुर से बहते हुए और ये इधर गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, तो नर्मदा नदी के ऊपर साइड विंध्याचल पर्वत, इसके नीचे साइड सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत यानी नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। लगभग मध्य प्रदेश के 15 से 16 जिलों में ये जो नर्मदा नदी निकल रही है तो 15 से 16 जिलों में गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगर ऐसा आता कि नहीं, आप तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। लेकिन रहते बाकी के 16 जिलों में भी हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मुरिया घोटुल की परंपरा हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी वाले बेल्ट में ये लोग निवास करते हैं या रहते हैं। आपने नाम सुना होगा बैरियर इल्विन के बारे में। यहाँ से प्री के लिए या मेंस में 3 नंबर के लिए 2 लाइन लिखने के लिए आ सकता है बैरियर इल्विन का। क्यों आएगा, इसका क्या महत्व है, बैरियर इल्विन जो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि प्री में भी क्वेश्चन पूछता है और आया हुआ है, तो इसके पीछे से थोड़ा सा जाकर हम लोग बात करें। यहाँ पर तो अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा बैरियर बैरियर एल्विन, बैरियर एल्विन। तो बैरियर एल्विन जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं ये एक ब्रिटिश मूल के मानवविज्ञानी हैं। मानव से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है। मुरिया जनजाति पर इन्होंने विशेष रूप से रिसर्च किया है, उनके को जानने को कोशिश की है। मुरिया क्या होता है, मुरिया जनजाति में घोटुल परंपरा क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है।
और ये एक बुक लिखे हैं मुरिया जनजाति पर, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, और इनकी बुक का नाम है दी मुरिया एंड देयर घोटुल। दी मुरिया एंड देयर घोटुल। तो ये जो बुक है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि दी मुरिया एंड एंड देयर घोटुल। तो ये जो बुक है दी मुरिया एंड देयर घोटुल, इसको किसने लिखा है? तो ध्यान रखना, ब्रिटिश मूल के, ब्रिटेन के रहने वाले मनोविज्ञानी या एक व्यक्ति बेरियर ने लिखा है। तो इनकी बुक को प्री के हिसाब से पूछा जा सकता है, क्योंकि जनजातियों पर इन्होंने बुक लिखी है और उसका नाम है दी मुरिया एंड देयर घोटुल। किसने लिखी? तो बेरियर ने। इसमें बहुत सारी इन्होंने मुरिया जनजाति के घोटुल के बारे में बताया है। अब बहुत सारे विवादित रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि बेरियर इल्विन चूंकि विदेशी व्यक्ति हैं तो उतना घोटुल को नहीं जान पाए जितना रियल में घोटुल के अंदर चीज़ें चलती हैं, या घोटुल का मकसद क्या है वो ये नहीं बता पाए। और बेरियर इल्विन जी बहुत सारी चीज़ों को जो हकीकत या सही नहीं है उसको भी बताया कि घोटुल में ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो इन्होंने कहा कि घोटुल में जो लड़के या लड़कियां अविवाहित आते हैं उनको साथ में रखा जाता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे, और उसमें वो ऐसे होते हैं कि भाई बहन भी होते हैं। इसकी भी हम बात करते हैं कि इनका विवादित जो रहा है इसीलिए अपर्याप्त कहा जाता है कि पूरी की पूरी जानकारी इन्होंने इस बुक में नहीं दी है, उसकी भी बात करेंगे। आगे चलते हैं अभी। तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि लिंगोपन को खुश करने के लिए मुरिया जनजाति कौन सी नृत्य करती है, तो कुछ इस तरह से एक ककसार डांस है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपको मेहनत न करनी पड़े, आपको जो है तो आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपके काम की चीज़ है। आपको समझ में आएगा तो आप अपने आप लिख भी सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप लिख भी नहीं सकते, मतलब नहीं है फिर। तो कोशिश करना कि इस चीज़ को पहले आप समझें कि मुरिया जनजाति या घोटुल परंपरा क्या है, इसमें क्या होता है, लिंगोपन कौन है, इनके बारे में भी हमने बताया है। तो लिंगोपन को खुश करने के लिए ककसार नृत्य किया जाता है, ये मुरिया जनजाति के लोग ही करते हैं। तो ये फ्री के हिसाब से भी आ सकता है, मेंस में 3 नंबर के लिए आ सकता है, चाहे CGPSC हो चाहे MPPSC हो इनमें से। तो लिंगोपन को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य या डांस किया जाता है, तो आप ध्यान रखना आपका ककफार नृत्य है ये होता है। आगे की बात करें कि किस पेड़ के नीचे लिंगोपन ने मुरिया जनजाति के लोगों को शिक्षा दी थी, या मुरिया जनजाति के लोगों को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज हुआ था, वो आपका ये सेमल का पेड़ है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। संस्कृत में इसको रियल में सिंबल या सालमल कहा जाता है, गांव में इसको कहा जाता है सेमरा, इसी को गांव में कहा जाता है सेमरा। तो जो सेमरा होता है उसको जो है तो ये सेमल कहते हैं, और सेमल पेड़ के नीचे ही
मुरिया जनजाति को लिंगोपन जो है तो शिक्षा दिए थे, और इस प्रकार से इसकी भी पूजा मुरिया जनजाति के लोग करते हैं, यानी इस पेड़ की, सेमल वृक्ष की। आगे की हम लोग बात करें कि कौन आ सकता है घोटुल में। जो घोटुल है, ठीक है, ये घर है, घास फूस का बना होता है, इसमें रहेगा कौन? इसमें आएगा कौन? तो हम देखते हैं कि घोटुल में अगर मुरिया जनजाति के जो मुरिया है, जनजाति है, इनके बच्चे अगर 10 साल के हो गए तो घोटुल के सदस्य मान लिए जाते हैं। यानी मुरिया जनजाति के बच्चे जिनकी उम्र 10 साल हो गई, वो अपने आप सदस्य बन जाते हैं घोटुल के। और घोटुल में अविवाहित जो लड़के होते हैं, विवाहित लड़के, अविवाहित लड़के, वह जो लड़कियां होती हैं, लड़की, तो घोटुल में मुरिया जनजाति के 10 साल के जो बच्चे हो गए या उनसे ऊपर हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो भाग लेते हैं। अविवाहित लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 10 से अधिक है, वो भी इसमें भाग लेते हैं घोटुल में। अब जो घोटुल की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जो लड़के आएंगे तो घोटुल में इनका नामकरण होता है, नाम रखा जाता है लड़कों का भी और लड़कियों का भी। तो जो लड़के घोटुल में आते हैं उनका नाम रखा जाता है जो है तो चेलिक, चेलिक। तो ये जो चेलिक हैं, तो चेलिक कौन है? मुरिया जनजाति के वो अविवाहित लड़के एवं लड़के जो घोटुल में आते हैं उनको चेलिक कहा जाता है। तो लड़कियां भी आएंगी, तो मुरिया जनजाति की वो लड़कियां जो घोटुल में आती हैं, तो उनका जब नामकरण किया जाता है तो उनको कहा जाता है यहां पर मोतियारी, मोतियारिन। यही मोतियारिन कहीं कहीं आपको मोतियारिन लिखा मिलेगा, मोतियारिन मिलेगा, तो ध्यान रखना। जो अविवाहित लड़के घोटुल में आते हैं उनका नाम होता है चेलिक, यानी चेलिक कहते हैं उन्हें। जो अविवाहित लड़कियां घोटुल में प्रवेश करती हैं, घोटुल में आती हैं, उनको कहा जाता है मोतियारिन, या जो है तो मोतियारिन कहीं मिलेगा, क्योंकि टी आई है तो लोग टी न बोल के टी बोलते हैं, मोतियारिन। तो हमारे कहने का मतलब है चाहे आप मोतियारिन बोलें या कुछ बुकों में अगर ऐसा लिखा मिलता है कि मोतियारिन, तो भी सही है और यह गलत नहीं है, है ना? तो ये भी हमने जान लिया। अब ये अगर आए हैं घोटुल में, तो ये जो लड़के चेलिक हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो चेलिक हैं यानी अविवाहित लड़के जो घोटुल में आए हैं, तो आपस में से सब लड़कों में से एक लड़के को हेड चुना जाएगा। ये एक लड़के अपना हेड या मुखिया या मुख्य जो है ऐसा समझ लीजिए चुनता है। मतलब जो लड़के आए घोटुल में तो आपस में से चुनाव करेंगे, जैसे कॉलेज में होता है ना, अपना एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो उसी प्रकार से घोटुल में भी लड़के लोग अपना एक प्रेसिडेंट या मुखिया चुनते हैं जिसका नाम होता है सिरदार, जिसको बोला जाता है ये सिरदार। कहीं कहीं इसी को लिखा हुआ मिलेगा आपको सिरेदार,
सिरेदार। तो कहने का मतलब, चाहे आप इसको ऐसा बोलिए, सिरेदार बोलिए, या सरदार बोलिए, या सिरदार बोलिए, बात एक ही है। तो सिरदार कौन होते हैं? वो अविवाहित लड़के यानी चेलिक जो घोटुल में आते हैं और आपस में चुनाव करके एक लड़के को अपना हेड चुनते हैं, उसी हेड लड़के को घोटुल में नाम होता है सिरदार। और ये अब क्या करेगा, बाकी लड़के बाकी चेलिकों को जो भी काम घोटुल की होगी उसके बारे में बताएगा, चूंकि हेड है। इसी प्रकार से मोतियारिन में भी होता है। मोतियारिन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये मोतियारिन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो जो अविवाहित लड़कियां घोटुल में आती हैं और घोटुल में आने के बाद उनका नामकरण होगा, तो नामकरण सभी लड़कियों को, अविवाहित लड़कियों को घोटुल में मोतियारिन या मोतियारिन नाम दिया गया। अभी लड़कियां भी अपना एक जो है तो प्रेसिडेंट या हेड मुखिया बोल सकते हैं, हेड चुनेगी, जिनको घोटुल में कहा जाता है बेलोसा। बेलोसा तो ये बेलोसा कौन होती हैं? तो बेलोसा घोटुल में वो लड़कियां जो आती हैं अविवाहित, और उनको नामकरण पूरी लड़कियों को कहा जाता मोतियारिन। तो ये सारी लड़कियां अपना एक हेड चुनती हैं, उन्हीं को बेलोसा कहा जा रहा है। यानी लड़कियों के हेड को, सिंपल सी भाषा में, घोटुल में लड़कियों की जो हेड होगी, जो लड़कियों के बताएगी क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, तो उन्हीं को ये लोग बेलोसा कहते हैं। तो लड़कियों के हेड को बेलोसा और लड़के को जो हेड होते हैं उनको सिरेदार या सिरदार कहा जाता है। तो कौन आएगा घोटुल में? अविवाहित लड़के एवं लड़कियां, और जो उनकी उम्र 10 साल से ऊपर या 10 साल हो चुकी है वो इसमें घोटुल में आ सकता है। बाकी लोगों को परमिशन नहीं होती है। और ये जो 10 साल के लड़के हैं, जो अविवाहित लड़के लड़कियां हैं, मुरिया जनजाति के ही होंगे, दूसरी जनजाति के लोगों को घोटुल में नहीं रखा जाता, ये भी आप क्लियर कर लेना। आगे की बात करें हम लोग, तो ये जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 10 साल के बच्चे जिनकी उम्र हो जाती है, इनको घोटुल में रखा जाता है। यानी घोटुल में कौन आएगा? मुरिया जनजाति के वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल है या 10 साल से ऊपर हो गए हैं, इनको अपने आप मेंबर मान लिया जाता है कि ठीक है, अब आप घोटुल के हो गए हैं, घोटुल की शिक्षा दीक्षा जो है तो अब आपको मिलेगी। तो ये समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये कि मुरिया बच्चे जैसे ही 10 साल के होते हैं घोटुल के सदस्य बन जाते हैं। तो कौन आते हैं? मुरिया बच्चे। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, सारे बच्चे नहीं, मुरिया जनजाति के, बाकी तो भील जनजाति है, भारिया जनजाति है, कोल जनजाति है, तो उनके बच्चों को नहीं। कौन से बच्चे 10 साल के होंगे ये क्लियर करना, जो मुरिया जनजाति के बच्चे हैं, ये मुरिया चिल्ड्रन जो हैं इन्हीं को रखा जाएगा घोटुल में। तो मुरिया जनजाति के ये ध्यान रखना आप कि जैसे ही 10 साल के हो जाते हैं या होते हैं घोटुल के सदस्य बन जाते हैं। आगे की हम लोग बात करें इसमें से, तो ये जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि वो अविवाहित लड़के और लड़कियां जो मुरिया जनजाति से हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं आपके घोटुल में। तो इन्हीं लड़कों को, ये जो लड़के हैं आपके, ये पूरे के पूरे ये लड़के जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं को संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है, ये
जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, चेलिक, ये चेलिक होते हैं। चेलिक तो चेलिक जो घोटुल में अविवाहित लड़के आए उनको कहा जाता है। लड़के अपना लोग एक चुनाव करेंगे इन्हीं लड़कों में से, आपस में से जो लड़के हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है घोटुल में। यहाँ तो एक इमेज के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि घोटुल में लड़के जो आते हैं, तो घोटुल में जो लड़के हैं मान लीजिए, तो ये आपस में किसी एक लड़के को, कोई भी, चाहे इनको इलेक्ट कर लिया जाए, चाहे मान लो इस लड़के को इलेक्ट कर लिया जाए, चाहे इस लड़के को इलेक्ट कर दिया जाए, किसी को भी चुना जा सकता है। तो ये लड़के आपस में एक अपना हेड बनाएंगे, उसी हेड को ये लोग बोलते हैं सिरदार, सिरदार, या इसी को ये लोग बोलते हैं सिरेदार। तो सिरदार या सिरेदार लड़कों के हेड होते हैं, ये अविवाहित लड़के हैं जो घोटुल में आते हैं। आगे की हम लोग बात करें, ये जो है तो लड़कियां जो घोटुल में आती हैं, जो अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, इनका पार्टिसिपेट होता है, इन्हीं लड़कियों को, ये जो घोटुल में आ रही हैं लड़कियां, इन्हीं लड़कियों को जो नाम दिया जाता है वो है मोतियारी, मोतियारी। तो लड़कियों को घोटुल में नाम दे दिया गया मोतियारी। अब ये लड़कियां आपस में से किसी एक लड़की को, किसी एक लड़की को अपना हेड चुनती हैं, ये जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये मोतियारिन, ये तो अपना जो हेड चुनेगी उन्हीं को ये कहा जाता है बेलोसा, बेलोसा। तो बेलोसा कौन होता है कि जो घोटुल में लड़कियां अपना एक हेड या मेंबर चुनती हैं उनको कहा जाता है। आगे की हम लोग बात करें कि घोटुल में शामिल लड़कियों को मोतियारी या मोटियारिन कहा जाता है, ये मैं बात कर रहा था कि चाहे मोटियारिन बोला जाए चाहे मोतियारी बोला जाए, बात एक ही है। तो घोटुल में शामिल लड़कियों को मोतियारी या मोटियारिन कहा जाता है और लड़कों को चेलिक कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि घोटुल में लड़कियों को क्या कहा जाता है, लड़कों को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि लड़कियों को हेड को क्या कहा जाता है, लड़के के हेड या मुख्य या मुखिया को क्या कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो लड़कियों का हेड होती हैं, लड़कियाँ होती हैं उनमें शामिल होती, इन्वॉल्व होती हैं, उसको घोटुल में हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियारी या मोतियारिन कहा जाता है। जो लड़के होते हैं ये बॉयज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उनको ये लोग चेलिक बोलते हैं, ये चेलिक। तो लड़कियों के हेड को क्या कहेंगे ये भी हमने जान लिया, लड़कों के हेड को क्या कहेंगे ये कहा जाता है, और लड़कों को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम जाना, इमेज के माध्यम से भी हम जानेंगे इसको। आगे की बात करें हम आपसे तो कि लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है और जो लड़के होते हैं तो लड़कों के प्रमुख को सरदार या सिरेदार कहा जाता है, ये चीजें हैं आपको। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो गर्ल्स को हेड होता है, ये दी हेड ऑफ गर्ल्स, उनको बेलोसा नाम दिया गया है, और जो हेड ऑफ बॉयज उनको कहा जाता है सरदार या सिरेदार, यह लिखा हुआ। तो दी हेड ऑफ दी गर्ल्स इज कॉल्ड यहाँ पर बेलोसा एंड देयर हेड ऑफ दी बॉयज इज कॉल्ड सरदार या सिरेदार। तो लड़कों का हेड सरदार या सिरेदार, लड़कियों के हेड को हम लोग बेलोसा कहते हैं, ये भी हमने जान लिया। नेक्स्ट की बात करें कि घोटुल में क्या होता है कि जैसे शाम हो गई
5 या 6 बजे पीएम का टाइम है, यानी शाम का 5 बजे समथिंग, घोटुल में नगाड़े या आप ड्रम बोल सकते हैं बजाने की परंपरा है। इसके मकसद होते हैं, घोटुल में जब भी ड्रम बजाया जा रहा है तो ये आप समझेंगे कि जो चेली यानी घोटुल के लड़के अविवाहित लड़के, मोतियारीन यानी घोटुल के वो लड़कियां जो अविवाहित हैं और घोटुल में हैं, अगर जंगलों में लकड़ी लेने गए हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो ड्रम का संकेत होता है कि अब आप लोग अपने अपने घोटुल में आ जाइए, और घोटुल में अब खाना बनाना है या साफ सफाई करना है या बाकी के जो काम है वो करने के टाइम आ गया है। तो ड्रम किसका संकेत होता है, शाम को 5 बजे जो बजाया जाता है, कि बाकी के मोटियारिन या चेलिक लोग अब कहाँ आ जाएं, घोटुल में आ जाएं, इसलिए ड्रम बजाया जाता है हर शाम को घोटुल में। तो ये ड्रम बजाया जाता है जिसकी हम लोग बात करते हैं। आगे की बात करें, जैसे ड्रम बजा तो ये जो घोटुल है जिसकी हम बात कर रहे थे, घास फूस लकड़ी का बना होता है, अब सारे चेलिक और सारे मोटियारे लोग इसमें आएंगे और जो भी साफ सफाई का काम होगा, खाना बनाने का काम होगा, वो इसमें रहेंगे। तो ड्रम किसका संकेत होता है कि जो चेलिक और जो मोटियारिन हैं अब आ जाएं अपने अपने घोटुल में। आगे की बात करें, यही इसमें लिखा हुआ है कि हर शाम बजने वाला नगाड़ा या ड्रम इस बात का संकेत होता है कि मोतियारियों यानी लड़कियों और चेलिकों यानी लड़कों के घोटुल में जाकर मनोरंजन करने का समय हो गया है। तो यहाँ पर यही जो ड्रमिंग या ड्रम की हम लोग नगाड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि दी ड्रमिंग एवरी इवनिंग इज ए सिंग दैट इट इज टाइम फॉर दी मोतियारिस एंड चेलिक्स टू गो टू घोटुल एंड हैव अ फन। यानी ये जो घोटुल के मेंबर्स होते हैं, अब इनको घोटुल में आने की जरूरत है, अब आए यहाँ पर जो भी मनोरंजन, खाने बनाने, साफ सफाई का काम है वो लोग यहाँ पर करें। तो आगे की हम बात करें कि और क्या होता है घोटुल में, परंपरा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं किसमें से, कि कैसे करते हैं जीवन साथी का चुनाव। घोटुल में अविवाहित लड़के आ गए, घोटुल में अविवाहित लड़कियां आ गई, अभी अपना चुनाव कैसे करेंगी या अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करेंगी, इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। अब ये कहा जाता है कि जो चेलिक है, जो लड़का है, तो सभी लड़कियों के लिए ये कंघा बना कर लाएगा। ये क्या करेंगे, एक कंघा यानी जिसकी हम बात करते हैं कोम्ब। ये जो कोम्ब है, कंघा है, ये प्रत्येक चेलिक लड़का लड़कियों के लिए बनाएगा। और ये कंघा मान लो किसी लड़की को पसंद आ जाता, किसी लड़की यानी जो घोटुल में रह रही है और घोटुल में जो लड़का रह रहा है, तो ये कंघा बनाएगा। कंघा बनाकर जब रखेगा तो मान लो किसी लड़की को पसंद आ गया, तो वो लड़की इस चेली की, जो लड़का कंघा बनाकर लाया है, इसके कंघे को अपने बाल में लगा लेगी, और बाल में लगाने के बाद वो बाकी लड़कियों, बाकी जो मोतियारिन होती हैं उनके बीच में या घोटुल में खुले तौर पर निकल चलेगी। तो जो बाकी के लोग देखेंगे कि यार ये लड़की इस लड़के का कंघा अपने बाल में लगाई हुई है, इसका मतलब इस लड़के लड़की को वह लड़का पसंद आ गया जिसका वो कंघी अपने बाल में लगाई हुई है। इस प्रकार का जीवन साथी का चुनाव करते हैं, और जीवन साथी का चुनाव होने के बाद आप शादी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी शादी होगी आपको घोटुल से बाहर कर दिया जाता है, फिर आप घोटुल के मेंबर नहीं रह जाते। यानी घोटुल के मेंबर कब तक रहेंगे, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है या अविवाहित हैं। जैसे ही
आप शादी करेंगे तो घोटुल से आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो घोटुल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हम बात करते हैं। जो विवाद की हम लोग बात कर रहे थे इसको भी यहाँ समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है चूँकि घोटुल में 10 साल और उससे ऊपर के लड़के आते हैं, अविवाहित लड़के लड़कियाँ आती हैं, तो मान लो एक घर में दो बेटे हैं, दो बेटियाँ हैं, एक भी हो सकता है, और वो घोटुल में गई थे, भाई बहन होंगे, तो जो एक ही घर में भाई बहन है वो भी अगर 10 साल के ऊपर हो गए तो घोटुल में जाएंगे। तो घोटुल में जैसे ही गए तो चूंकि वहां पर पार्टनर चुनने का अधिकार है, आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं। कंघा तो हम बनाएंगे, कंघा बनाएंगे, किसी लड़की को पसंद आ गया, आपने बाल में लगा लिया, खुले तौर पर आपने जब घोटुल में घूमते हैं तो कंघा दूसरी लड़कियां यानी मोतियारिन, दूसरे लड़के यानी चेली को देखते हैं कि अच्छा ये लड़की, इसके कंघे लगाई हुई है, अच्छा ये लड़का पसंद आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है कि जो गांव से भाई बहन आ रहे हैं तो उनको भी घोटुल में रखा जाता है। तो एक ही घोटुल में भाई भी रह रहा है, एक ही घोटुल में बहन भी रह रही है। तो बहन को कोई लड़का पसंद आ गया तो वो भी उसके साथ रहेगी घोटुल में, लड़के को यानी उसके भाई को जो लड़की पसंद आ गई वो भी घोटुल में रहेंगे। अब दोनों एक ही घोटुल में साथ में रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, घोटुल में ये परंपरा खत्म होनी चाहिए या अलग घोटुल होना चाहिए। पार्टनर चुनने का अधिकार है तो पार्टनर आप तो चुन लेंगे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि घोटुल में जो ये पार्टनर्स आपने अपना जीवन साथी चुना है, एक हफ्ते एक महीने बाद आपको लगता है यार नहीं मेरा चुनाव गलत हो गया है, आप इसको बदल सकते हैं। यानी लड़कियां लड़के को बदल सकती हैं, नहीं मैं दूसरे लड़के को पसंद कर रही हूं अब, वहां जा सकती हैं। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप मान लो जिस लड़की को पसंद किए हैं, जिस मोटियारिन को, एक महीने बाद एक हफ्ते बाद आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यही चीज़ विवादित रहा है घोटुल में, इस पर बहुत सारे मीडिया वालों ने भी कवरेज किया हुआ है। जब आप देखेंगे, गूगल पर जाएंगे, विकिपीडिया पर जाएंगे, घोटुल के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा रहा है कि विवाद खड़ा हुआ है। और विवाद की वजह ये है कि हम पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, अपने जीवन साथी को बदलते हैं। दूसरी बात, एक ही घोटुल में भाई भी रह रहा है, बहन भी रह रहा है, बहन किसी और लड़के के साथ है, शादीशुदा नहीं है, पार्टनर चुनने का अधिकार है शादी से पहले, तो ये थोड़ा सा गलत रहा है। बाकी लोग प्रश्न उठाते हैं, बाकी बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं नहीं इस परंपरा सही है, कम से कम शादी से पहले ये अपना जीवन साथी को अच्छी तरह से जान पहचान लेते हैं तब शादी करते हैं तो ये सही बात है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सही है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सही नहीं भी है। तो ये विवाद इस पर रहा है। आगे की भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो कंघे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लड़के लोग ये ऐसे कंघे बनाकर, जिसको कंघे हम लोग बोल रहे हैं, कोप की हम लोग बात कर रहे थे, ये यही ये कंघे जो है तो ये बना कर लाते हैं लड़के। तो लड़के यानी चेली की ये जो कंघे बना कर लाए हैं, किसी लड़कियों के पसंद आ गया मान लो जो घोटुल में रह रही है, वही ये बाल में लगाती हैं, तो ये समझ लिया जाता है किस लड़की को लड़का पसंद आ गया है, फिर विवाह की बात होती है। ये जिस कंघे की हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह की ये कंघिया बनाते हैं। और ये कंघी जो बनाई गई है, तो जो चेलिक बनाते हैं तो अपने पूरे कौशल का उपयोग करते हैं, पूरा जितना टैलेंट होता है सब लगा देते हैं। इतना सुंदर बनना चाहिए कि जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूं उसको तो कम से कम पसंद ही आ जाए। और पसंद आ गया, लड़की ने लगा लिया, तो मान लिया जाता है कि वह लड़की जो है तो अब इस लड़के के साथ विवाहित हो। कुछ इस तरह से ये लड़कियां बाल में लगा लेती हैं घोटुल में, तो ये मान लिया जाता है कि ठीक है ये लड़की जिस लड़के का कंघा था उसको ये पसंद आ गया। तो लड़के लोग कंघे बनाते हैं, लड़कियां ये करती हैं, और अपने जीवन साथी का भी वो लोग घोटुल में चुनाव करते हैं इस तरह से। आगे की हम लोग अगर बात करें इसमें से तो कि क्या होता है घोटुल में,
घोटुल में क्या ऐसी चीज है, क्या होता होगा घोटुल में। तो घोटुल में जाने के बाद हमने बताया विद्यास्थल है, पढ़ाई लिखाई तो होगी ही, यहाँ पर नृत्य यानी डांस जिसकी हम लोग बात करते हैं ये भी होता है, गायन आदि गीत भी गाते हैं ये लोग, नृत्य गायन आप बोल सकते हैं, ये भी इसी में होता है। मनोरंजन खेल का भी ध्यान दिया जाता है जिसकी आप बात करेंगे, ये इन प्रकार के खेल भी खिलाए जाते हैं उनको। बहुत सारी चीजें आपके इस घोटुल में होती हैं। तो आगे की अगर हम लोग बात करें इसमें से, तो यही घोटुल में नृत्य होता है, डांस होता है, चेलिकों से कराया जाता है, जो मोतियारी लड़कियां होती हैं उनसे भी कराया जाता है घोटुल में ये नृत्य जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, होता है गीत गायन होता है इस प्रकार से, सॉन्ग करते हैं चेलिक लोग करते हैं, मोतियारी भी करते हैं, दोनों लोग करते हैं। आगे की हम लोग बात करें तो विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं जो उनको वहाँ खेलना पड़ता है। ये डंडा दिख रहा होगा, ये इसको डंडा डांस बोलते हैं, तो डंडा नृत्य भी करते हैं, जितने ककफार नृत्य की हम बातें कर रहे थे, ककफार नृत्य करते हैं, लिंगोपन को खुश करने के लिए करते हैं कि लिंगोपन ने हमारे लिए घोटुल का निर्माण किया, पहला घोटुल बनाया, मुरिया जनजाति के लोगों को शिक्षा दी। तो घोटुल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि घोटुल में नृत्य गीत गायन और विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियाँ होती है, यही यहाँ पर लिखा हुआ, डांसिंग सिंगिंग सॉन्ग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन घोटुल। घोटुल में कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके होती हैं। तो घोटुल में क्या होता है आपने जान लिया, इनमें से आगे बढ़ते हैं कि ये कि घोटुल में इसके अलावा किन बातों को अहमियत दी जाती है, क्या और होता होगा घोटुल में, इसके बारे में भी इसमें बात होती है घोटुल में, और जिन बातों को ध्यान दिया जाता है उसमें भी। मैंने आपसे बताया था कि संगठन की भावना, यूनिटी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं कि हम लोग संगठित के रूप में रहना है, इस पे ये बात करेंगे कि संगठन की भावना का विकास करना, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे सभी लोग, यूनिटी जैसे जो भूमिका आज भारत में आरएसएस की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन विवादित रहा है इस पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, बहुत सारे लोग जो है तो बोलते हैं सही है, देश के विकास में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान रहा है। ये आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि संगठन की भावना का विकास इसमें घोटुल में, घोटुल के जो चेलिक और मोटियारी लोग होते हैं उनको बताया जाता है। आगे की हम लोग बात करें तो इसमें सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का पाठ पढ़ाया जाता है कि समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, क्योंकि मानव की बात करें तो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज से अगर आपको कुछ मिल रहा है, समाज में अगर आपका राइट या अधिकार है, तो समाज के लिए आपका दायित्व भी बनता है, समाज के लिए आपको काम भी करना है। तो सामाजिक दायित्व क्या क्या होते हैं को भी ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं इसको नहीं होने देना है, इसको रोकना हमारा दायित्व है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, ये हमारा दायित्व है कि इसको रोकना, क्योंकि लोगों से ही बढ़ता है। तो ऐसी चीजों जो सामाजिक दायित्व है जो आप समाज के लिए कर सकते हैं, बाकी चीजें हैं कि सहयोग करना है समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए,
तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें घोटुल में बताई जाती है। क्या करना, सामूहिक रूप से वृक्ष या पेड़ या वृक्षारोपण करना है तो हमारा दायित्व है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम सबको पेड़ लगाने चाहिए। जो है तो किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा कि वो है सोचे कि नहीं मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा, तो भी तो जीवन है, हमें सांस मिलेगी, हम क्यों लगाएं। तो ऐसी भावनाएं अगर मन में है तो सही नहीं है। अगर आपके राइट है, अगर आप सोचते हो कि मेरा ये अधिकार है, मेरा यह अधिकार है, तो आपका दायित्व भी है कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। आगे की बात करते हैं इसी में कि ये जो इसमें हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हमारा दायित्व होता है। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम करें, ये हमारा दायित्व होता है। ये सारी चीजें घोटुल में सिखाई जाती हैं। साफ सफाई रखना है, इसका भी हमारा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है ये करना। घर में तो करते हैं, घर के बाहर भी जब हम चल रहे, मान लो हम घर के बाहर कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप कार में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं तो छिलके बाहर फेंक देते हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बॉटल है, बाकी जो चीज़ें सामग्री है आप बाहर फेंक देते हैं। हमारा दायित्व है कि जो कूड़ादान है तो कचरे की चीज को वहीं पर डालना चाहिए, हर कहीं नहीं फेंकना चाहिए। बट अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा क्या है, हमने अगर नहीं भी फेंका तो बाकी लोग तो फेंक रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी यही सोचना होगा कि नहीं ये सही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें घोटुल में सिखाई जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार से नियमों का पालन करना है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं ये हमारे ड्यूटी है, हमारा दायित्व है ये काम करना है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो आपका क्या दायित्व है, आपका क्या कर्तव्य है, आप क्या कर सकते हैं, घोटुल में सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। आगे की बात करें तो हस्तकला का ज्ञान, नॉलेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको चीज़ें बनानी है, क्या काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके घोटुल में सिखाई जाती है। सिलाई बुनाई सिखाई जाती है वहाँ चेलिकों को, मोटियारी लोगों को। टोकरी बनाना है इसके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आगे जीवन में आप कैसे बढ़ सकते हैं, क्या काम करना है, ये चीज़ें। बाकी की हम बात करें और क्या होता है, ये जैसे घड़े मटके कलरफुल बनाना जो आज कुम्हार करता है, वही चीज़ जो है तो घोटुल में ये लोग चेलिकों को भी सिखाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें घोटुल में वहाँ के लोगों को सिखाया जाता है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर की बात कहीं ना कहीं घोटुल बहुत पुराने सदियों से देता आया है, उस पर बात करता आया है, जो हम आज बात करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस पर बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनना है भारत को। तो आत्मनिर्भर घोटुल में बहुत पहले से ये बात चलती आई है और उनको चीज़ों को सिखाया जाता रहा है। आगे की हम लोग इस पर और बात करें तो ये भी बताया जाता है कि एकजुट होकर विपत्ति का सामना कैसे करना है, ये भी घोटुल में सिखाया जाता है कि बाढ़ आ गई मान लो कहीं, तो उससे हमें पलायन नहीं करना है, भागना नहीं है, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना है। सरकार तो हमारी मदद करेगी ही, लेकिन हमार जो यानी विपत्ति है सामना, जो हमारे सामने आया हुआ है, इससे डर कर भागना नहीं है, इससे डट कर मुकाबला करना है, ये घोटुल में चीज़ें सारी बताई जाती हैं। तो बाढ़ में जो लोग पलायन करते हैं उनके लिए सरकार तो मदद कर ही रही है, कैसे क्या कैसे, लेकिन घोटुल में जानकारी दी जाती है कि जब आपके सामने कोई भी चीज़ विपत्ति आ गई तो उससे आपको भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, कैसे लड़ना है, ये चीज़ें समझाई जाती है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसी बाढ़ आती है
या समुद्रों में तूफान आता है, कहीं भी आता है, तो हमारी जो आर्मी है जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं, बाढ़ वाले इलाके से ये उनको बाहर निकालते हैं। हम लोग बात करें अपने नेवी की, तो नेवी भी अगर समुद्रों में बाढ़ आता है, हमारे मछुआरे लोग हैं या कोई जनजीवन उसमें फंसा हुआ है या परेशान है, तो हमारी नेवी भी उनको निकालने का काम करती है, आर्मी भी काम करती है बाढ़ से पीड़ितों को निकालने के लिए, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। जहां नेवी संभव नहीं है, आर्मी का जाना संभव नहीं है, वहां हम एयरफोर्स की भी मदद लेते हैं, इसके माध्यम से भी हम रेस्क्यू करते हैं, लोगों को निकालते हैं। एनडीआरएफ की टीम की हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी हमारी मदद करती है, बाकी चीज़ें तो है ही, लेकिन आपको कैसे विपत्तियों से बाहर आना है, सामना करना है, ये सारी चीज़ें घोटुल में सिखाई जाती है, घोटुल के चेलिक और मोटियारी को। कोरोना काल की बात करें, अभी बहुत जोरों पर रहा है मार्च 2020 से, हम सब लोग जानते ही हैं। तो ऐसे टाइम पर जब महामारी आई तो बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ शहरों से गांवों की ओर। तो ये बताया जाता है कि कोई भी समस्या आ गई है तो पलायन करना ही उसका सॉल्यूशंस या हल नहीं है, उससे कैसे लड़ना है, कैसे बचा जा सकता है, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है उसका हमें कैसे पालन करना है, अब पालन करने से हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें घोटुल में बताई जाती है उनके लोगों को। आगे की हम लोग बात करें कि भावी वर वधू, यानी घोटुल में जैसे हमने बताया कि जो शादी के लिए लड़का कंघा बनाता है, जिस लड़की को पसंद आ गया तो वो कंघे को अपने सिर में लगा लेगी, तो ये मान लिया जाता है कि ठीक है अब आपकी शादी होगी। अब शादी होगी, आपको लड़का पसंद आ गया है या लड़की को, लड़के को लड़की पसंद आ गई है तो शादी करना, तो किन चीज़ों की समस्या आएगी इस पर बात की जाती है इस घोटुल में। और उससे पूर्व यहाँ पर लिखा हुआ है विवाह पूर्व, यानी विवाह से पहले सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तभी तो यहाँ पर जैसे इमेज में हम लोग देख रहे हैं, शादी से पहले आपको सारी चीज़ें बताई जाती, घोटुल में रह रहे हैं तो मिलना जुलना होता ही, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर जब हम शादी कर लेते हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वो भी बता दिया जाता। अभी तो ये हंस रहे हैं, बाद में रोएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घोटुल परंपरा में चलती हैं, ये इसका भी नॉलेज दिया जाता है घोटुल में कि रियल में शादी से पहले जो बातें बताई जा रही कि शादी के बाद क्या करना है, अपने जो मम्मी पापा माता पिता हैं उनकी सेवा करना है, उनका आदर सम्मान करना है, ये सारी की सारी चीज़ें चेलिकों को, लड़कों को भी बताया जाता है, जो चेलिक होती हैं जो लड़कियां होती हैं उनको भी बताया जाता है, अपने गुरु का सम्मान करना भी ये बताया जाता है आपके घोटुल में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये यहाँ कि आपको अपने गुरु का भी रिस्पेक्ट करना है, माता पिता का भी रिस्पेक्ट करना है, बाकी लोग जो बच्चे हैं उनका आदर करना है, सम्मान करना है। तो सारी की सारी चीज़ें घोटुल में सिखाई जाती हैं, ये ध्यान रखें। तो फिर अंत में ये बताया जाता है कि जीवन में ये सब बातों को पालन करने से, जो बातें हैं उनका पालन करने से या डिसिप्लिन रहने से उसका क्या महत्व होता है, इस पर भी वो लोग बात करते हैं, इस पर भी बताया जाता है और उसका क्या महत्व है अपने जीवन के लिए, इन सब चीज़ों पर बात होती है घोटुल में, ये सारी चीज़ें। आगे की हम लोग बात करें इसमें से तो कि घोटुल के नियम क्या होते हैं। जाहिर से बात है इतनी संगठित संस्था है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो उसके नियम कानून भी कुछ तो होंगे।
तो नियम कानून क्या होंगे इसकी भी हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या नियम होते हैं, वहाँ के चेलिक और मोटियारिन को क्या करना पड़ता है, जो बेलोसा यानी लड़कियों का हेड होती हैं क्या डर देती हैं, जो उनके लड़कों को हेड सिरदार या सिरेदार होते हैं वो क्या ऑर्डर करते हैं, क्या जो है तो उनको आदेश देते हैं, क्या करना होता है, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। कि वो बताया जाता है घोटुल में जो नियम होता है कि गांव के किसी भी काम में घोटुल की सहमति अनिवार्य होती है। गांव में कोई भी काम होगा तो घोटुल से सहमति लेते हैं, इसकी वजह है, और वजह यह है कि मान लो कोई प्रॉब्लम आई तो ये जो चेलिक लोग होते हैं और आपके मोटियारी लोग होते हैं मदद करने के लिए पहुंचते हैं, मदद करने से कहीं ना कहीं आसान हो जाती है चीज़ें, तो गांव के लिए भी फायदेमंद है, ये भी सहयोग करते हैं वहां पर जाकर। तो यही गांव के किसी भी काम में अगर हो रहा है वहां पर ये सारे चेलिक मोटियारी लोग जाते हैं। किन मुद्दों पर बात करनी है, हमें आगे क्या काम करना है, उनकी एक मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड होता है कि इस प्रॉब्लम से हमें कैसे निपटना है, ये सारे चेलिक लोग और मोटियारी लोग करते हैं। आगे की बात करें कि घोटुल में के पुरुष सदस्य को लकड़ी लाना आवश्यक होता है, मतलब जो पुरुष सदस्य यानी चेलिक वो लोग जंगल जाते हैं और लकड़ी लाते हैं वहाँ से, और ये लकड़ी घर में रखते हैं, इससे जो वहाँ की मतलब मोतियारी लड़कियाँ हैं खाना बनाएंगी। खाना बनाने के अलावा अगर घोटुल में कहीं लग रहा है, घोटुल चूँकि लकड़ी घास फूस से बना होता है, नया घोटुल बन रहा है या दूसरा घोटुल बन रहा है, तो ये लकड़ियाँ कौन लाएगा, उन्हीं के अंदर रहने वाले जो चेलिक लड़के हैं वो लाएंगे। लड़कियों को जिम्मेदारी ये नहीं दी जाती है, किसको दी जाती है जो है तो लड़कों को। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लड़कियां भी लेने जाती हैं लकड़ियां लड़कों के साथ चेलिक के साथ, लेकिन घोटुल की परंपरा यह है कि केवल और केवल लड़के ही लकड़ी लाएंगे जंगल से, लड़कियां घर में रहेंगी। तो आगे की हम लोग बात करें कि संस्था के अधिकारी, मतलब घोटुल है 10 साल के, 10 साल से ऊपर लड़के आ रहे हैं, अविवाहित लड़की लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अधिकारी होंगे। तो जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है यानी वरिष्ठ होता है, पढ़ा लिखा है, उसको घोटुल का अधिकारी बनाया जाता है और उस सारी चीज़ों को देखता है। तो यही लिखा है इसमें कि संस्था यानी संस्था मीन्स यहाँ पर घोटुल है के अधिकारियों द्वारा दिए गए काम को नियत समय पर करना होता है, यानी कि जो अधिकारी ने काम दिया हुआ है, और अधिकारी किनको बोलेगा, बेलोसा लड़कियों के हेड को, सिरदार लड़कों के हेड को, और वो सिरदार या वो बेलोसा लड़कियां बाकी चेलिक और मोटियारी को ये जो है तो आदेश करेंगे। ऐसे काम ऐसे समय पर करना है, यानी जो टाइम निर्धारित किया गया है कि इस टाइम पर काम करना है उसी टाइम पर काम करना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जाती है। मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड होता है कैसे काम करना है, ये सारी की चीज़ें। गांव में शांति बनाए रखने के लिए सहयोग करना, ये भी इन्हीं का काम होता है, चेलकों का ही काम होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। फिर मोटियारिन होते हो भी मीटिंग करते हैं कि गांव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे कैसे निपटना है, इस पर भी बात होती है। तो कहने का मतलब घोटुल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की संस्था हमें सिखाई जाती है, वैसा ये घोटुल में बहुत पुराने समय से चला आया है। फिर हम देखें आगे कि महिला सदस्य को घोटुल के अंदर और बाहर साफ सफाई के व्यवस्था बनाए रखना, महिला सदस्य यानी मोटियारिन, वही लड़कों को अगर लकड़ी लेने के जाना है कि लकड़ी जंगल जाना है लेकर आना है, तो लड़कियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि ये जो घोटुल है इसके अंदर और इसके बाहर की सफाई की जिम्मेदारी इन मोटियारिन या मोतियारिस लोगों की ही होती है। तो साफ सफाई का जिम्मा मोतियारी लड़कियों को दिया जाता है, लकड़ी लाने का जो काम होता है वो लड़कों को यानी चेलिक को दिया जाता है यहाँ पर। फिर लिखा है कि प्रत्येक सदस्य अपने वरिष्ठों का सम्मान करे और छोटे के प्रति सहानुभूति रखे,
यह सिखाया जाता है कि घोटुल में कि आप अपने बुजुर्ग लोगों का, वरिष्ठ लोगों का, समाज में जो लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करना है, उनका अनादर नहीं करना है, आदर करना है, सम्मान के साथ हमें पेश आना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं ये घोटुल में सिखाई जाती है। छोटे बच्चों के प्रति ये जो है तो आदर सम्मान का भाव हमें रखना है, उनको डांटना नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें घोटुल में बताई जाती हैं, इनमें सिखाया जाता है। फिर लिखा हुआ है कि प्रत्येक चेलिक यानी लड़का, मोटियारी यानी लड़की जो घोटुल में है, के लिए पनका यानी कंघा जो है तो लाएगा, ये पक यानी पनका लाइक दैट, या कोम्ब की हम बात करते हैं उसकी। तो ये जो लड़के होते हैं लड़की के लिए, ये कंघा बनाकर लाते हैं। इनका जितना कौशल, जितना टैलेंट हो सकता है, जितना सुंदर से सुंदर बनाने में वो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि लड़की को कम से कम तो ये पसंद आए। और इस प्रकार से आगे की हम लोग बात करें कि क्या घोटुल के अलावा भी, जैसे घोटुल की हम बात कर रहे हैं तो मुरिया जनजाति में पाई जाती है, तो मुरिया जनजाति में जिस प्रकार से घोटुल है तो दूसरी जनजाति में भी क्या ऐसी परंपरा है? तो हाँ, एक जनजाति है उरांव जनजाति, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी हिस्से में निवास करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। जनजातियों का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें केवल जनजातियों की बात करेंगे, अभी हम जनजातियों की प्रथा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर वीडियो बना रहे हैं एक एक करके, क्योंकि उनकी एक एक प्रथा इतनी लंबी है कि उनको अगर बेसिक से जीरो से हाई लेवल पूरा समझा जाए तो बड़ा टाइम लगता है। और जनजातियों पर हम बात करेंगे, उनके वीडियो की बात करेंगे। तो मुरिया में जैसे घोटुल है, उसी प्रकार से उरांव जनजाति में, या उरांव जनजाति को बिहार वाले रीजन में या झारखंड के कुछ एरिया में कुरांव यानी उरांव न बोल के कुडुख बोला जाता है, यानी चाहे आप उरांव बोलें या कुडुख बोलें, बात एक ही है। तो धूमकड़िया प्रथा एक, धूमकुड़िया प्रथा एक पाई जाती है उरांव जनजाति में। जैसे घोटुल में परंपरा की हमने बात की है, वैसे ही उरांव में धूमकुड़िया होती है। तो मुरिया लोग घोटुल बोलते हैं, उरांव या कुडुख लोग धूमकुड़िया बोलते हैं। इसमें भी अविवाहित लड़के लड़कियां आते हैं, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी अविवाहित लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। धूमकुड़िया की विशेषता है कि जो विधवाएं होती हैं, विडो जिसको हम बात करते हैं, तो पार्टिसिपेट करते हैं धूमकुड़िया में। घोटुल में जो विधवाएं होती हैं उनको पास नहीं दिया जाता, उनको पार्टिसिपेटेशन नहीं मिलता है, वो नहीं आ सकते हैं। तो क्या अंतर इसमें मिला कि घोटुल में विधवाओं का प्रवेश वर्जित है और धूमकुड़िया में विधवाएं आ सकती हैं, अविवाहित तो आएंगे ही आएंगे। ये एक नई चीज़ इसमें धूमकुड़िया को मिल गई, यानी क्या कह सकते हैं कि यह सही है थोड़ा सा। आगे की हम बात करें इसमें, तो ये जिसकी हम बात करें उरांव जनजाति के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अविवाहित लड़के लड़कियां, तो साथ में विधवाओं को भी शामिल किया जाता है इसमें आपके धूमकुड़िया में। अब इसमें एक धूमकुड़िया की बात जानते हैं कि जैसे 13 वर्ष से कम आयु, यानी 10 से ऊपर 13 वर्ष से कम आयु है, उनको धूमकुड़िया परंपरा में पुना जोराबर कहा जाता है। जैसे हमने बात किया कि घोटुल में जो लड़के आ रहे हैं उनको चेलिक, लड़कियों को मोटियारिन नाम दिया जा रहा है, उसी प्रकार से 13 से कम आयु यानी 10 से 13 के बीच वाले जो एरिया में लड़के लड़कियां आते हैं, अविवाहित हैं, तो उनको पुना जोराबर कहा जाता है। क्लियर कर लेना यहाँ पर, इसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल है। पुना जोराबर 10 से 13 के बीच में या 13 वर्ष से जिनकी आयु कम है, और जो इसमें धूमकुड़िया में प्रवेश करते हैं, धूमकुड़िया घोटुल जैसा ही है, तो उन लड़की और लड़के दोनों को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर जो है तो पुना जोराबर। और उन 13 से 18 वर्ष की आयु वाले जो लड़के लड़कियां हैं, ये नाम दिया जाता है मथ जुरिया जोराबर। तो मथ जुरिया जोराबर 13 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के लोग
जो अविवाहित हैं और धुमकुड़िया में प्रवेश करते हैं तो उनको नाम दिया गया है मथजुरिया जोरावर। तो 13 से 18 के लिए इसमें दोनों शामिल हैं, लड़कों को भी मथजुरिया बोलेंगे, लड़कियों को भी मथजुरिया जोरावर बोलेंगे जिनकी उम्र 13 से 18 के बीच में है। अगर 13 से कम है, 10 से 13 के बीच में, तो यहाँ पुनः जोरावर कहा जाता है। यहाँ पर 10 लिखा नहीं है, ये है ना ध्यान रखना, 10 और 13 वर्ष से कम आयु के लोग, 10 से अधिक 13 से कम, तो पुनः जोरावर कहा जाता है। दोनों लोगों को कहेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं कि लड़की के लिए अलग नाम, लड़कों के लिए अलग नाम। आगे की हम लोग बात करें इन्हीं में से, तो ये 18 वर्ष से अगर अधिक है, इसमें फिर नाम अलग अलग कर दिया जाता है। 18 वर्ष से अधिक जो उरांव जनजाति के युवक हैं उनको धांगर कहा जाता है। जैसे मुरिया जनजाति में घोटुल में चेलिक लोग अपना एक चुनाव करते थे, और जो हेड होता था लड़कों का उसको हम क्या बोलते थे, सिरेदार या सरदार। उसी प्रकार से ढुमकुड़िया में जो लड़के आते हैं तो अपना एक मुखिया चुनते हैं, उनको कहा जाता है, ये लोग बोलते हैं। और ध्यान रखना 18 वर्ष से अधिक वाले ही, वो अपने छोटे वालों के लिए कोई चुनाव नहीं होता, उनके लिए जो अधिकारी होते हैं वही काम करते हैं। यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक वाले जो होते हैं उनके लिए हेड बनाया जाता है, तो जो लड़कों का हेड होता है उसे धांगर महतो कहा जाता है। ये धांगर महतो, तो धांगर महतो क्या होता है कि जो धुमकुड़िया में 18 वर्ष से अधिक हैं लड़के लड़कियाँ, और अपना एक जीवन साथी, मतलब सॉरी जीवन साथी नहीं, अपना एक हेड चुन रही हैं लड़कों में से, लड़के लड़कों में से चुन रहे हैं, उन्हीं को धांगर महतो कहा जाता है। और जो 18 से अधिक लड़के हैं, उम्र के लड़के हैं, तो सारे लड़कों को कहा जाएगा धांगर, और उन सारे लड़कों में से जो एक हेड होगा उसको कहा जाएगा धांगर महतो। आगे की हम लोग बात करें इसी में तो, कि 18 वर्ष से अधिक आयु की जो युवती होगी, लड़कियां होंगी, उनको धांगरीन कहा जाता है। लड़कों में हमने बात किया धांगर, ये धांगरीन। तो लड़कियां भी अपना एक चुनाव करेंगी, लड़कियों में से जितने सारे धांगरीन हैं तो वो एक अपना हेड चुनेंगी, और उनको कहा जाएगा बारकिन धांगरीन। तो ये बारकिन धांगरीन यानी लड़कियों का हेड जो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है धांगरीन युवतियों का, तो इनको बारकिन धांगरीन कहा जाएगा। बाकी जो लड़कियां हैं इनको क्या कहा जाएगा, धांगरीन कहा जाएगा। धुमकुड़िया में यही घोटुल होता तो लड़कियों को मोटियारिन कहा जाता। इसके बाद आगे की हम लोग बात करें यहां पर, कि ये तो ठीक है उरांव जनजाति में परंपरा है, तो क्या बाकी जनजातियों में भी है क्या, उरांव के अलावा भी? तो यस, एक जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में निवास करती है, तो उसमें एक प्रथा पाई जाती है जिसे गीतियोना कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार से मुरिया जनजाति में घोटुल है तो ऐसी प्रथा बिरहोर जनजाति में है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो गीतियोना कहा जाता है। तो ये आपकी बिरहोर जनजाति झारखंड की है, गीतियोना प्रथा चलता है, उसमें भी लड़की लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। आगे की हम लोग बात करें इसमें और कौन सी जनजातियां हैं, तो एक भुइया जनजाति है, भुइया जनजाति में जो प्रथा चलती है, मुरिया में जैसे घोटुल है उसी प्रकार इसमें भुइया में घफरवासा नाम का एक प्रथा चलता है, तो ये भुइया जनजाति है। ये भी छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश वाले एरिया में निवास करते हैं। आगे की हम लोग बात करें इस पर, इसके अलावा और कौन सी जनजाति में है, तो मध्य प्रदेश में एक जनजाति भारिया, छिंदवाड़ा में एक जगह है पातालकोट, वहाँ निवास करती है, इनमें भी एक रंग वंग नाम का प्रथा चलता है, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में मुख्य रूप से निवास करती है, बाकी अगल बगल के जो जिले हैं, बालाघाट है, सिवनी है, वहाँ पर भी बैतूल है, आस पास रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। उनमें एक घोटुल जैसी परंपरा है जिसे रंग वंग नाम दिया जाता है, या रंग वंग प्रथा पाई जाती है। तो ये सारी जनजातियों के बारे में हमने आपको बताया कि घोटुल के अलावा भी किन किन जनजातियों में कौन सी प्रथा चलती है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। इन जैसा भी आपको वीडियो लगे बाद में बताइएगा ज़रूर कि और किस टाइप पर जनजातियों में वीडियो चाहिए। मैं दोनों माध्यम में कोशिश करूँगा कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दूँ आपको, और एक प्रॉपर नोट्स की तरफ दूँ कि चाहे आप मेंस के लिए लिखें, क्योंकि हम फोकस जो कर रहे हैं MPPSC को लेकर कर रहे हैं। हमने सोचा था कि इसमें फर्स्ट जो आपका सिलेबस MPPSC का उसको दिखाऊंगा इमेज पर और उनमें बताऊंगा कि रियल में जनजातियां कहां पर है कैसे, ये देखो आपके चैप्टर में आएगा। लेकिन अगली बार से ये भी मैं आपको बताऊंगा रियल में कि MPPSC का जब हम आप सिलेबस देखोगे तो जनजातियाँ दी हुई हैं, गोंड के बारे में, भील के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, तो उस पर भी हम आपको वीडियो बना कर देंगे। तो ये जो चैप्टर आज का था PSC के मेंस लेवल में जनजातियों में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो आपका प्री होता है तो उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, तो उनमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आपके 100 क्वेश्चन हैं तो 2-2 नंबर के आते हैं, प्री में फर्स्ट पेपर GS का बन जाते हैं। मेंस में 3 नंबर के लिए ऐसे ही पूछ देगा कि किस जनजाति में पाया जाता है, लिखना पड़ेगा मुरिया जनजाति में पाया जाता है। भारिया जनजाति में कौन सी प्रथा पाई जाती है, जैसे घोटुल में, मुरिया में, उसको भी आपका 3 नंबर का मेंस में आएगा, मतलब आ सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसा भी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा बताइएगा। ओके, थैंक यू।